नमस्कार सभी किसान भाइयों, राम राम। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल पंकज डेयरी फार्म, जो कि आष्टा सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी किसान भाइयों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो पकड़े जो स्क्रीन के सामने गाय दिखाई दे रही है, ये इसके नीचे फीमेल काफ है और इस गाय का मिल्किंग का वीडियो मैंने सोचा आप सभी किसान भाइयों के साथ शेयर किया जाए। तो इसका जो दूध का वीडियो है वो अभी लगभग 8 लीटर एक टाइम का दूध लग रही है। तो जिस भी किसान भाई को ख़रीदना हो तो संपर्क कर सकता मोबाइल नंबर पर 7987254739 पर, मोबाइल पर इसकी जानकारी ले सकता है व्हाट्सएप करके। और 8 लीटर एक टाइम का दूध लग रही है, किसान के पास से ली, लोकल का पशु है और अर्डर क्वालिटी काफ़ी शानदार है, टाइट अर्डर की गाय है। जो इसके थन उन है वो भी काफ़ी ज़ोरदार हैं, बिल्कुल मुखिया थन है और चारों थन बराबर है बिल्कुल। और इसका अडर देख सकते हैं आप कितना कॉम्पैक्ट, बिल्कुल घुटनों के काफ़ी ऊपर और बहुत कसा हुआ अडर है। तो किसी प्रकार की मेस्टाइटिस होने के भी चांसेस नहीं रहते ऐसी गायों को, काफ़ी अच्छी गाय और दूध वाला पशु है। थर्ड लैक्टेशन की गाय है, तीसरे ब्याह की, नीचे केड़ी है 18 दिन की और किसान के पास से खरीदी है। अभी इसका मिल्क रिकॉर्ड हमने 8 लीटर के आसपास करा है। इसकी डिवर्मिंग पेट के कीड़े की जो दवाई होती है वो हमने ये परसों का वीडियो है सुबह मॉर्निंग का, और इसको हमने उस टाइम पे डिवर्मिंग की टेबलेट दी थी। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा 0.5 लीटर, बाकी लगभग 8 लीटर दूध हमारे यहाँ से निकाल के लेकर जा सकता है कोई भी किसान भाई को ख़रीदना हो। तो देख सकते हैं आप मुखिया थन बिल्कुल आराम से दूध निकालने में कोई परेशानी नहीं, थन बिल्कुल शानदार चलते हैं, कोई छर्रा ना नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। और अभी पिछला मंडी का जो वीडियो डाला था उसका काफ़ी दुख हुआ मुझे, क्योंकि वो वीडियो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई और वीडियो चल नहीं पाया। बड़ी मेहनत से बड़ा शानदार वीडियो बनाया था और फोकस करा था मैंने टोटल, बिल्कुल अपनी देसी नस्ल की जो गौवंश है उन्हीं के ऊपर फोकस किया था मैंने। पिछला वीडियो था पूरा उन्हीं के ऊपर था, वो कम से कम 8 से 10 गाय देसी नस्ल की उसमें मैंने बताई थी, लेकिन वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई कि वीडियो पूरा करप्ट हो गया, ख़राब हो गया किसी कारणवश। मुझे भी पता नहीं कि किस कारण से ख़राब हुआ, वो चलते चलते उसके टाइमिंग तो चल रही थी लेकिन वीडियो आगे नहीं बढ़ पाया और ओरिजिनल वीडियो था वो भी मैंने डिलीट कर दिया था मेरे मोबाइल में से, तो वापस से उसको डाल नहीं पाया मैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वो तो किसी टेक्निकल इशू के कारण गड़बड़ हो गया था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख सकते हैं आप ये 10 लीटर की बाल्टी के अंदर दूध निकाल रहा हूँ मैं, और जो गाय है वो काफ़ी शानदार है, किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं उसमें भी, काफ़ी अच्छा पशु मुंडी में है, सींग भी नहीं है किसी प्रकार का, कोई मारने की कोई टेंशन नहीं, लात उठाने की कोई टेंशन नहीं। गाय तो खुले पांव दूध देती है, लेकिन मैंने इसको अपने घर पर लाया उसी दिन से इसको पांव बांधने की आदत डाल दी। जिसके पास से पहले मैंने ली थी, जो किसान के पास से ली, वो इसका खुले पांव दूध निकालता था, लेकिन मेरे यहाँ पे मैं किसी भी पशु का जो दूध है वो बिना पांव बांधे नहीं, मतलब सभी के पांव बांधता हूँ। वो हमारे यहाँ का नियम है कि हम बिना पांव बांधे दूध ही नहीं निकालते किसी पशु का। तो देख सकते हैं आप ये मिल्किंग इसकी हो रही है और इसकी जो सेड़ चल रही है वो भी देख सकते हैं आप कि कितनी शानदार चल रही है, मोटी, लेकिन 1% भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि दूध छर्राने का या थन छर्राने का कोई टेंशन नहीं, और काफ़ी अच्छा पशु है। पूरा लाइव मिल्किंग मैंने पूरा का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से बनाया है, ताकि भले ही लंबा बना वीडियो लेकिन इसलिए बनाया ताकि किसी प्रकार का कोई उसमें शंका नहीं रहे कि यार दूध पहले से था बाल्टी में, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को। देख सकते हैं आप ये चारों थन काफ़ी शानदार चलते हैं इसके, और सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसका जो अडर है वो बिल्कुल टाइट है। बहुत सी गाय ऐसी रहती है जो झूले अडर की रहती है, जिनको मैस्टाइटिस होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं,
तो ऐसी गायों में ये इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देख सकते हैं आप, मुट्ठी से और अंगूठे से दोनों तरीके से निकाल सकता हूँ मैं दूध, तो आदत में पड़ गई है। तो ये जो बाल्टी दिखाई दे रही है ये 10 लीटर की है। इसका दूध को मैं नाप के भी बता दूंगा कि कितना दूध है। तो जिस भी किसान भाई को ख़रीदनी हो 8 से 10 लीटर तक की गायें, तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है इस गाय को ख़रीदने के लिए। हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है या फ़ोन कर सकता है। इसकी फ़ाइनल कीमत हमने 55,000 रुपये रखी है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन ये भी रहेगा कि जो 45-50 हज़ार रुपये में जिनको ख़रीदना, वो कृपया करके मुझसे संपर्क ना करें। पशु के रेट जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं अभी अभी में, क्योंकि मैं भी अभी किसानों के पास भी गांव-गांव अगर भटक के अपन अच्छे पशु खरीदते हैं तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लग रही है। पशु मिल नहीं रहे हैं, लोकल के पशु, अच्छे पशु नहीं मिल रहे हैं। वो तो किसी को मजबूरी में कोई बेचना रहती है तो वो मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे पशु कोई भी नहीं बेच रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, लगभग मिल्किंग कंप्लीट होने वाली है। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी मार्केट के अंदर इतना घूमना पड़ता, गांव-गांव जाना पड़ता, जब जाके कोई सा एक पशु हाथ में आता है उसके पीछे की मेहनत काफ़ी लगती है। तो जो मेहनत है वो उसका पैसा है, ये और कुछ भी नहीं है। पशु की जो क्वालिटी है उसका पैसा है। 5 लीटर 4-5 लीटर वाली गायें भी मार्केट में व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो लगभग आपको इसी रेंज में देंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जिसको जहाँ से लेना लो, किसी का कोई बंदिश नहीं है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जिसकी जहाँ मर्जी पड़ रही वहाँ से खरीद सकता पशु, कोई दिक्कत नहीं हमें। सबका अपना अपना सोच है, सबके अपना अपना नज़रिया है, किसको किससे कहाँ से ख़रीदना है, कोई दिक्कत नहीं हमको किसी से कहीं भी ख़रीदे। और रही बात ये मेरी गाय की, इस वाली गाय की, तो इसको आप घर से दूध लगा कर ले जाना, जो भी भाई लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसका सीधा सा फंडा है। कि इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि मान लो कि मेरे घर पे वो दे रही है 8 लीटर दूध, अब आपके घर ले जाने के बाद वो 5 लीटर दे, 6 लीटर दे, 2 लीटर दे, 1 लीटर दे, कितना भी दूध दे, उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहली चीज़ तो मेरी गारंटी मेरे घर तक की, आपको 50 बार क्या, 1000 बार दूध निकाल लो आप सुबह शाम करके, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है दूध निकालने की, उसकी सुविधा हम दे रहे हैं बिल्कुल आपको। लेकिन आपके घर की सुमंशा की गारंटी रहेगी, अगर गाय हमारी मारे कूटेगी तो गाय बाइज्जत हम हमारे उससे लेकर आएंगे। तो गाय की जो मेन जो चीज़ है इसकी, वो यही है कि बहुत सपूत गाय है। और साथ में इसका जो दूध मिल्किंग की जो देख सकते हैं आप, ये मिल्किंग लगभग पूरी होने वाली है। 10 लीटर की बाल्टी है ये पूरी। इसके नीचे फीमेल काफ है, तीसरे ब्याज की गाय है। 55,000 रुपये इसकी फ़ाइनल कीमत है। तो जिस भी किसान भाई को ख़रीदनी हो तो हमसे मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पास में घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएँ। उसका फ़ायदा ये रहता है कि घंटी का निशान दबाने के बाद में ऑल कर देना आप सभी पे, तो उससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ और आप YouTube जब भी वो खोलते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि पंखीजा डेयरी फार्म से ये अभी वीडियो सबसे पहले डला है, तो वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये मिल्किंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और इसको मैं एक बार नाप के भी बता दूंगा ताकि किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहे। जो बाल्टी है वो मेरी 10 लीटर की है, लेकिन उसमें फेस भी है, तो इसको अपन 2-3 बार इधर से उधर कर लेंगे ताकि फेस टूट जाए पूरे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये जो एक और बाल्टी है 14 लीटर के आसपास की है, 13-14 लीटर की। इसके फेस जो है वो पूरे टूट चुके हैं, आप देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं अब, ये है इसकी ओरिजिनलिटी। अभी बाल्टी पूरी फुल थी, 10 लीटर की बाल्टी पूरी फुल थी, लेकिन अभी ये कम हो गया है क्योंकि इसके फेस पूरे टूट चुके हैं। अब इसको मैं नाप के भी बता देता हूँ आपको, देख सकते हैं आप, 1, ये 2,
तीन चार पांच छः सात और ये 8 लीटर से थोड़ा कम है। उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया कि जब किसी भी पशु की डिवर्मिंग करते हैं अपन पेट के कीड़े की, तो थोड़ा सा दूध ऊपर नीचे हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी लेनी हो संपर्क कर सकता है। थैंक्स फॉर दी वॉच।